एक बात बोलूं प्लीज, बिल्कुल ऐसे ही ना, इतनी ही गुस्से में और बदतमीजी से बात करना प्लीज, सारा मामला सेट हो जाएगा। सच बोल रही, मैं डायलॉग लिख के देती हूँ, एक मिनट। कुछ है पेपर पेन? मेरी मिल गया। मेरी जर्नल। हाँ हाँ, हेलो, मैं जानता हूँ फैशन शो की रात तुमने क्या किया था, सिर्फ जानता, यही तो लिखा है। हाँ पर ऐसे नहीं बोलते, तोड़ तोड़ के पॉज ले लेके गुस्से से। हेलो, मैं जानता हूँ कि फैशन शो की रात तुमने क्या किया था। ऐसे कौन बात करता है? गुंडे। फैशन शो पे गुंडे इनवाइटेड थे क्या? नहीं ना, वो करण और तुम्हारा हीरो समझ जाएंगे, बेवकूफ बना रहे हम उन्हें। अरे इतना लॉजिक कौन सोचता है, कोई ध्यान नहीं देता है। तुम प्लीज चुपचाप फोन करो और ये जो मैंने लिखा है वो बोलो प्लीज। इसी की वजह से ना ये पार्वती बनी है, लॉजिक से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अभी गुंडा है तो वो इंग्लिश में बात करेगा ना, हिंदी में क्यों करेगा? इंग्लिश में क्यों? क्योंकि ब्लैकमेलर मलाबार हिल से होगा ना। नहीं रोहित, ब्लैकमेलर को ना शिफ्ट होना पड़ेगा गोरेगांव, क्योंकि सुमित अगर इंग्लिश सुनेगा ना तो हैप्पी दिवाली बोल के फोन रख देगा। ओके, डायलॉग्स तो तुम्हें यही बोलने पड़ेंगे जो मैंने लिखे हैं, और जैसा मैं बोल रही हूं ना वैसे ही बोलने पड़ेंगे। प्लीज प्लीज फोन उठाओ और बोलो। बताओ फिर से। हेलो, मैं जानता हूं कि तुमने फैशन शो की रात क्या किया था, तोड़ तोड़ के गुस्से। बस बस बस, सर्जन को गुंडा बनना पड़ेगा। नहीं, आप उल्टा सोच रहे हो, गुंडा जो सर्जन बन गया। हेलो, मैं जानता हूं फैशन शो की रात तुमने क्या किया था, सिर्फ जानता ही नहीं, तुम्हारी काली करतूत की फोटो है मेरे पास, अब देखना कैसे तुम्हारा काला चिट्ठा सबके सामने खोलता हूं, एक्सपोज कर दूंगा तुम्हें। हेलो भाई, तुम बोल कौन रहे हो? तुम्हारी बुरी किस्मत, अब ध्यान से सुनो क्या करना है। अबे ओए, तू जानता नहीं है मुझे, मैं कौन हूं, ठीक है? और ये भद्दा मजाक ना बहुत महंगा पड़ेगा तुझे, समझा? हेलो, ठीक है तो तुम, तो मैं तुम्हारी सारी फोटोज डॉक्टर रोहित सिप्पी और सोनाक्षी रस्तोगी को भिजवा देता हूं। ओके भाई, मेरी बात सुनो आराम से, ठीक है? क्या तुम कर क्यों रहे हो, मत करो यार प्लीज। क्या चाहिए तुम्हें, क्या करना होगा मुझे? हाँ, ये हुई ना अक्लमंदी वाली बात, अगर तुम चाहते हो कि मैं ये सबूत किसी को ना दूं तो तुम्हें मुझसे मिलना होगा आज रात 12 बजे। हाँ, और सुनो, खाली हाथ मत आना इडियट की तरह,
पैसे चाहिए मुझे 20 लाख रुपए, नए नोट 2000 और 500 के, समझे? एड्रेस है रूपा मिल्स का जो पीछे वाला वो कंपाउंड के बाहर, रूपा मिल्स के बैक कंपाउंड के बाहर। गुड बाय। हेलो, जल्दी फोन स्विच ऑफ कर लो अपना। कैसा किया मैंने? गुड जॉब डन। डर गए होंगे दोनों, एकदम एक एक्सपीरियंस टीवी एक्टर की तरह किया या नहीं? बहुत अच्छा किया आपने, बहुत ही रियल। सोनाक्षी, अब हम वैसा ही कर रहे हैं जैसा तुमने कहा है। आई जस्ट होप जो असली दोषी है वो पकड़ा जाए। 9:30 हो रहे हैं, हमारे पास लगभग 2 घंटे हैं। मैं जाके हॉस्पिटल में एक बार मम्मा को देख लेती हूँ। हाँ, सॉरी। ये विभा का फोन क्यों नहीं लग रहा? ये इंक्वायरी के चक्कर में कहीं विभा ने तो अपना मुंह नहीं खोल दिया? नहीं 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 सुमित खन्ना, विभा को तो मैंने खुद छुट्टी पे भेजा है। ये मास्टरमाइंड कोई और चला रहा है। डरने की जरूरत नहीं है मुझे। शरारत है सुमित खन्ना किसी की, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तो फाइनल प्लान अब ये है कि अपना अपना काम खत्म करके 11:30 बजे हम रूपा मिल के पीछे वाले लेन में मिलेंगे। यस। मैं क्या कह रही थी, क्यों ना हम तीनों नो, हम में से कोई भी बुर्का नहीं पहनेगा। और नकली दाढ़ी मूंछ और बाल लगा के कोई अपना मुंह नहीं छुपाएगा। ऑलराइट? वाह रोहित, तुम तो सोनाक्षी का दिमाग बड़ी आसानी से पढ़ने लग गए। नॉट बैड। अब चलते हैं, 11:30 बजे मिलते हैं। और हाँ, आराम से आना, बारिश होने वाली है। अक्कल क्या घास चढ़ने गई थी? अगर वो डांस कर रही थी तो उसको डांस करने देते, लाइटमैन के साथ मिलकर चिंगारी बरसाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो लगता है कि तुम्हें सोनाक्षी में इंटरेस्टेड हो ना। अब तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं सिर्फ उसे मजा चखाना चाहता था, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। बस बकवास करना बंद करो, रहते हो मेरे घर में, 20 लाख कहाँ से लाओगे? 10,000 रुपए तो है नहीं। इडियट। कौन कर रहा है मेरे साथ ये गंदा मजाक? पुलकी, मरी कहाँ है? पता नहीं। माँ ठीक है? बेटर। तूने कुछ खाया? हाँ। परी का फोन नहीं लग रहा, कहाँ चली गई?